मुनर फारूकी से पंगा लेना इतना भारी पड़ा अंजलि अरोड़ा को कि रोजाना हजारों में फॉलोवर कम हो रहे, जो तीजिन का आंकड़ा निकल कर आ रहा ना, तीजिन के अंदर कितने लोगों ने अनफॉलो किया वो आंकड़ा देखने के बाद आप शॉक में पड़ सकते हो। हजारों लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया सिर्फ तीजिन के अंदर, जो कि मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। और एक तरफ मुनर फारूकी के हजारों में फॉलोअर बढ़ रहे और तीजिन के अंदर कितने फॉलोअर बढ़ चुके वो भी आंकड़ा देखने के बाद आप चौंक सकते हो। मैं आपको दोनों के स्क्रीनशॉट बताने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि क्यों मुनर फारूकी की वजह से अंजलि के फॉलोअर क्यों कम हो रहे हैं, मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इस तरह की अपडेट लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपसे को बता देता कि आखिर क्यों अंजलि को मुनर फारूकी से पंगा लेना पड़ा भारी, जिसकी वजह से उनके हजारों में फॉलोअर कम हो रहे और तीजिन के अंदर कितने फॉलोअर कम हो चुके। तो आपको सबसे पहले बता दूं, अंजलि ने कुछ ऐसा कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था। मतलब जब मुनर फारूकी बिग बॉस में खेल रहे तो अंजलि ने बाहर ऐसा इंटरव्यू दे दिया था, मुनर फारूकी के बारे में नेगेटिव बातें बोल दी थी कि ये लड़कियों को बातों में घुमाता है, बातों में फंसाता है। जबकि मुनर फारूकी ने कभी भी अंजलि के बारे में कुछ गलत सलत बोला नहीं, बात तक नहीं की थी, शायद आप सभी को पता होगा। और यही बात जब मुनर फारूकी से पूछी गई कि अंजलि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, उन्होंने एक ही बोला, यार मैंने कभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं, जबरदस्ती मेरे बारे में बोल रही थी, आखिर ऐसा क्यों। तो ऐसे में आप सुधा दूं, जो मुनर फारूकी के फैन अंजलि को फॉलो करते थे लॉकअप के टाइम से, आप सभी को बताऊंगा ये जोड़ी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी लॉकअप शो के अंदर, बाहर भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की, इनके नाम से कई सारे हैशटैग भी चले, शायद आप सभी को पता होगा। तो ऐसे में आप सुधा दूं, जो भी मुनर फारूकी के फैन अंजलि को फॉलो करते थे उन्होंने डायरेक्ट अनफॉलो कर दिया। और जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा ना, वो आंकड़ा देखने के बाद आप चौंक सकते हैं कि एक दिन के अंदर और एक एक दिन के अंदर कितने कितने फॉलोअर कम हो रहे हैं और तीस दिन के अंदर कितने फॉलोअर कम हो चुके हैं। तो आपको साइड में ये वाला स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं जो कि मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ये है आपको जो स्क्रीनशॉट दिख रहा हूँ 17 फरवरी शुरू हुआ, जहाँ पे 17 फरवरी को 957 लोगों ने अनफॉलो कर दिया अंजलि को, उसी के साथ 891 लोगों ने अनफॉलो कर दिया, 1887 लोगों ने अनफॉलो कर दिया, 786 लोगों ने अनफॉलो कर दिया, मतलब डे बाय डे आप सभी को बता रहा हूँ। लेकिन तीन दिन के अंदर कहीं ना कहीं उनके थोड़े बहुत फॉलोअर बढ़े थे, जैसे कि आप बता दूँ 21 तारीख को उनके 1400 फॉलोअर बढ़े थे, और अगर आप 22 तारीख की बात करेंगे तो 116, 23 तारीख को 514, लेकिन फिर एक बार डाउनफॉल शुरू हो चुका था, जहाँ पे कई सारे वीडियो वायरल होते हैं मुनर फारूकी की, तो उसी के साथ कई सारे उनको अनफॉलो कर दिया, कभी 1500 लोगों ने अनफॉलो किया, कभी 800 लोगों ने, कभी 2300 लोगों ने, कभी 255 लोगों ने, कभी 957, कभी 890, मतलब कुल मिला के अंजलि के तीस दिन के अंदर जो फॉलोअर कम हुए ना, मतलब तीस दिन के अंदर जो लोगों ने अनफॉलो किया ना, फॉलो नहीं किया, अनफॉलो जो किया ना, वो है 46,920, यानी कि 47,000 लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया, जो कि आपको साइड में आंकड़ा दिख ही रहा होगा। 47,000 अगर लोग अनफॉलो कर रहे हो भी 30 दिन के अंदर, जो कि अपने आप में बड़ी बात होती है, इतने साले फॉलोअर घट जाना, बढ़ नहीं रहे, घट जा रहे, सिर्फ तीन दिन के अंदर ही फॉलोअर बढ़े, जो कि तकरीबन 2000 के करीब करीब उनके फॉलोअर बढ़े थे, बाकी 47,000 लोगों ने अनफॉलो किया। अब इसकी वजह कौन है वो तो आप सभी को पता होगा, लेकिन एक तरफ अगर आप मुनर फारूकी की बात करेंगे तो मुनर फारूकी के एक तरफ हजारों में फॉलोअर बढ़ रहे, आपको ये वाला स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, कभी मुनर फारूकी के 21,000, 23,000, 22,000, 18,000, 13,000, 18,000, 12,000, 19,000, 15,000, 14,000, 16,000, 16,000, 11,000, 37,000, मतलब ऐसे ऐसे उनके फॉलोअर रोजाना बढ़ रहे हैं, और कुल मिला के 1.1 मिलियन उनके फॉलोअर चुके 30 दिन के अंदर, जहाँ पे अंजलि के फॉलोअर घट चुके। और आपने एक न्यूज़ भी सुनी हुई बीच में, जो कि मैंने आप सभी को दी थी, कि मुनर फारूकी ने मतलब ओवरटेक कर दिया, मुनर फारूकी के फॉलोअर ज़्यादा चुके अंजलि से, जबकि आपसे बता दूँ जब लॉकअप में खेलते थे मुनर फारूकी तो शायद मुनर फारूकी के 2 या 1.5 मिलियन फॉलोअर थे और अंजलि के 9 या 10 मिलियन फॉलोअर थे, मतलब इतना फासला था। लेकिन मुनर को लोगों ने अव्वल ला लिया और इतने अव्वल लाए कि अंजलि के कहीं ज़्यादा आगे कर दिया। तो इसी पर आपका क्या बोलना, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर फैलाएं, अगर आप मुनर फारूकी की जनता तो लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, लोगों को बताएं कितने सारे फॉलोअर कम हो रहे हैं अंजलि के मुनर फारूकी की वजह से। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।